उदित नाम साहब 108 साल की अवस्था में भ्रमण करते थे। वह ताकत वह शक्ति सत्य नाम के प्रताप से आती है। निर्धन को धन है सतनाम, जय प्रताप मोय नहीं है। संसार से माया से मोह से काम साहब का करते थे, हमारे सतनाम का बल है। गुरु जी कहते थे हमारे सतनाम का बल है। जिनके पास नाम का बल है, नाम की कमाई है, उनका जीवन धन्य है। जिनके पास अहंकार है, मैंपना है, ममता है, और जिसके पास लघुता नहीं है, बड़पन है, संतों की दृष्टि में वो कंगाल है। उन्होंने जीवन में गरीबी ही देखी, अमीरी कभी देखी नहीं। जिनके पास सतनाम का धन है वो अमीर है, और जिसके पास सार शब्द रूपी धन नहीं है, नाम रूपी धन नहीं है, वो उतना ही कंगाल है। गुरु दया सागर ज्ञान आघर, शब्द रूपी सद्गुरुम, तासु चरण सरोज बंधु, सुखदायक सुख सागरम। गुरु दया के सागर हैं, गुरु ज्ञान के आगर, भक्ति के आगर हैं, सुख सागर हैं। गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई, सुख सागर में रहो समाई। अगर सुख सागर में जाना है तो गुरु रूपी सीढ़ी पार करनी होगी, गुरु ज्ञान की सीढ़ी लगानी होगी, तभी जीव भव सागर से पार होगा। मैं कभी कभी देखता हूं जिन लोगों की शादी हुई है तो वो फिल्म की कैसेट देखते हैं, तो मैं समझ जाता हूं, विचार में भी पड़ जाता हूं कि ये जो शब्द इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो इनको पहले भी था, ये तो इनको पहले भी था। जब इनके हृदय में ये मोह भरे शब्द फंस जाएंगे तो जैसे पाइपलाइन बिछी रहती है, उसमें जड़ें फंस जाती है, वहां से काटनी पड़ती है, पाइपलाइन को काटनी पड़ती है। ऐसे सब संसार फंसता जा रहा है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। उदित नाम साहब कहा करते थे, इस सत्संग को त्याग कर, गुरु ज्ञान को त्याग कर तुम संसार में मौज मस्ती समझोगे तो तुम एक दलदल में फंस जाओगे। ये संसार एक दलदल है, और दलदल का अर्थ है खेत की खड़ाई होने के बाद में पानी से खेत लबालब भर जाता है, मिट्टी गल जाती है, मिट्टी गल करके घाट जैसी हो जाती है, और जब घाट जैसी मिट्टी हो जाती है मायने तो और उसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं राबड़िया हो गया, राबड़िया मिट्टी का राबड़िया हो गया। उसके अंदर कोई जाता है तो फंसता ही फंसता, और जो फंस जाता है उसको कोई निकालने के लिए तो उससे तगड़ा ही जाता है, तो वो तगड़ा होने के कारण वो भी फंस जाता है।
फिर उसे तगड़ा भेजो फिर फंस जाता है, फिर तगड़ा भेजो फिर फंस जाता है। वही तो हालत सबकी हो रही है, वही तो हालत दुनिया की हो रही है। कोई तो वैराग नहीं लेना चाहता, कोई तो भजन करना नहीं चाहता। सबकी जो दृष्टि है वो रूप में, रंग में, हड्डियों में। जैसे गली में आपने देखा होगा कि घर वाले लोग कुत्ते को भोजन देते हैं, फिर भी कुत्ता जाकर हड्डी पकड़ लेता है। वही दशा इस मन की, वही दशा इस मन की है। साहब सब कुछ दीन देवन कछु ना रहो, अरे कोई अभागण नार अमृत तज विष पियो। साहब ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, मालिक ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर जहां मालिक ने दिया वहां आपने ध्यान भी नहीं लगाया, उस खजाने को आपने छेड़ा भी नहीं। देवी देवताओं ने दान पुण्य किया, अपना शौक और ऐश आराम और भोग कम करके अपने धन को गरीबों में बांटा, अपनी खुशी को दूसरों में बांटा, दूसरों को खुशी देखकर खुश हो जाते थे तभी तो देवता बने। दूसरों को खुशी देवे देवता बन जाता है। विषम पिता ने अपने पिता को खुशी प्रदान की, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेके अपने पिता को खुशी प्रदान की। और ऋषि मुनियों ने त्याग करके भजन किया, साधु संत त्याग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भक्त लोग सुखों का त्याग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज मैं सोजत से आ रहा था, बदावा के लिए लोग वहां खड़े थे, पंचायत पुरानी लहरिनन होटल के आगे एक गाय का बछड़ा नीचे गिरा हुआ पड़ा था। मुझे विचार आया कि कुछ लोगों को बताऊं कि इसको क्या हुआ, परंतु बार बार इधर से फोन आ रहा था कि हमें गर्मी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, जल्दी आओ महाराज। तो सज्जनों हम अपने सुख को बांटना सीखें। आपको कपड़ा मिले तो कपड़ा बांटो, रोटी ज्यादा मिले तो बच्चों को बांटो, भूखों को बांटो। आप अगर सुखी हो तो किस तरह सुखी हुए इस ज्ञान को भी बांटो। आप अगर गुरुमुखी हो और गुरुमुखी होने से आपको अगर साहेब का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है, उस ज्ञान को भी बांटो, उस चर्चा को भी सुनाओ। यहां से जो भर कर ले जाते हो दिमाग की मेमोरी में सत्संग, उसको आगे बांटो। बांटना सीखो तो दूसरों को बचाओगे तो वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, दूसरों को रुलाओगे ठगोगे वो तुम्हें ठगने के लिए आएगा। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में जोड़ दिया, हे सज्जन सुकृत कर ले नाम सुमर ले, कुण जाने कल की जगत में खबर नहीं है पल की। कोई खबर नहीं है
एक पल की भी खबर नहीं है किस समय मौत प्रवेश हो जाए। श्वासों के जरिए हृदय में, कप के जरिए हृदय में, हृदय घात हो जाता है। शरीर के अंदर जब यम प्रवेश कर जाते हैं, रोग प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या मालूम। कबीर साहब ने कहा, गुण जाने कहां मारसी, कहां घर क्या प्रदेश। क्या प्रदेश होगा, क्या घर होगा, इस शरीर को छूटने में कोई समय नहीं लगेगी। ऐसा सुकृत कर लो, आज सत्संग कराई, आरती कराई, इतने जनों को भोजन, इस सुकृत का काम है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कुण जाने कल की, जगत में खबर नहीं है पल की। कभी कभी हम आप लोगों को कहते हैं कि ये मंत्र है, ये रटो। तो महाराज, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दुखी लोगों को देखकर दुखी हो जाना, अच्छा कर्म करना, बुरा कर्म नहीं करना, और सत पर रहना। सत मत छोड़ो साहेबा, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांदी लक्ष्मी फेर मिलेगी। ये सत जो है आपको ऊंचाई प्रदान करता है, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपको यमों से छुड़ाएगा। साचे श्रापण लाग ही साचे काड़न खाए, कहे कबीर जो साचा साचा चले ताको कहां नसाए। कबीर साहब ने कहा कि जो सच्चे पुरुष होंगे, सच्चाई पे चलेंगे, उनको श्राप भी नहीं लगेगा, और ताको कहां नसाए। कौन नाश कर सकता है जो सत्य बोलता है, सत्य चलता है, सत्य की रेणी में रहता है।